पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,000 करोड़ रुपए के महाघोटाले का राज शायद राज ही बनकर रह जाता अगर एक बैंक अफसर रिटायर्ड नहीं होता। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस घोटाले का खुलासा बैंक के उस नवनियुक्त अफसर ने किया जिसकी पोस्टिंग रिटायर्ड हुए फॉरेक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी की जगह पर की गई थी। इसके अलावा बैंक को 11,000 करोड़ की चपत लगाने में पीएनबी के 2 कर्मचारियों का हाथ बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रकम की लेन देन के लिए इन कर्मचारियों ने स्विफ्ट का इस्तेमाल किया। इसके जरिए वे रोजाना की बैंकिंग ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने वाली कोर बैंकिंग सिस्टम को चकमा दे गए। दरअसल ये कंपनियां विदेशी सप्लायरों को भुगतान के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहती थी। बैंक अफसरों ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देने से पहले 100% कैश मार्जिन मांगा। इन तीनों फर्मों ने कहा कि वे पहले भी यह सुविधा लेते रहे हैं। जब इस नवनियुक्त अफसर ने रिकॉर्ड चेक किए तो उसके होश उड़ गए। बैंक रिकॉर्ड्स में करोड़ों के लोन और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का कोई जिक्र नहीं था, जिसके बाद शिकायत सीबीआई के पास पहुंची। जांच हुई तो पता चला कि मार्च 2010 से बैंक के फॉरेक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ सेट्टी ने मनोज खरात नाम के दूसरे बैंक अधिकारी के साथ मिलकर इन कंपनियों को फर्जी तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया था और पकड़ में आने से बचने के लिए उन्होंने इसकी एंट्री भी नहीं की। फिर इन्हीं जाली एलओयू के आधार पर एक्सिस और इलाहाबाद जैसे बैंक की विदेशी शाखाओं ने इन्हें डॉलर में लोन दिए थे। इन डॉलर लोन का इस्तेमाल बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट की फंडिंग के लिए किया गया, जिसके बाद इन अकाउंट से फंड को विदेशों में कुछ फर्मों के पास भेजा गया। ये पूरा घोटाला दोनों अफसरों ने स्विफ्ट तकनीक का इस्तेमाल करके किया। इसके जरिए वे रोजाना की बैंकिंग ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने वाली कोर बैंकिंग सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहे। दरअसल स्विफ्ट से जुड़े मैसेज पीएनबी के पिनाकल सॉफ्टवेयर सिस्टम में तत्काल ट्रैक नहीं होते, क्योंकि ये बैंक के सीबीएस में एंट्री किए बिना जारी किए जाते हैं। इसी का फायदा कर्मचारियों ने उठाया और करोड़ों का वारा न्यारा कर दिया। स्विफ्ट ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस है और इसका इस्तेमाल प्रत्येक घंटे लाखों डॉलर को भेजने के लिए किया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,000 करोड़ रुपए के महाघोटाले का राज शायद राज ही बनकर रह जाता अगर एक बैंक अफसर रिटायर्ड नहीं होता। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस घोटाले का खुलासा बैंक के उस नवनियुक्त अफसर ने किया जिसकी पोस्टिंग रिटायर्ड हुए फॉरेक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी की जगह पर की गई थी। इसके अलावा बैंक को 11,000 करोड़ की चपत लगाने में पीएनबी के 2 कर्मचारियों का हाथ बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रकम की लेन देन के लिए इन कर्मचारियों ने स्विफ्ट का इस्तेमाल किया। इसके जरिए वे रोजाना की बैंकिंग ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने वाली कोर बैंकिंग सिस्टम को चकमा दे गए। दरअसल ये कंपनियां विदेशी सप्लायरों को भुगतान के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहती थी। बैंक अफसरों ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देने से पहले 100% कैश मार्जिन मांगा। इन तीनों फर्मों ने कहा कि वे पहले भी यह सुविधा लेते रहे हैं। जब इस नवनियुक्त अफसर ने रिकॉर्ड चेक किए तो उसके होश उड़ गए। बैंक रिकॉर्ड्स में करोड़ों के लोन और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का कोई जिक्र नहीं था, जिसके बाद शिकायत सीबीआई के पास पहुंची। जांच हुई तो पता चला कि मार्च 2010 से बैंक के फॉरेक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ सेट्टी ने मनोज खरात नाम के दूसरे बैंक अधिकारी के साथ मिलकर इन कंपनियों को फर्जी तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया था और पकड़ में आने से बचने के लिए उन्होंने इसकी एंट्री भी नहीं की। फिर इन्हीं जाली एलओयू के आधार पर एक्सिस और इलाहाबाद जैसे बैंक की विदेशी शाखाओं ने इन्हें डॉलर में लोन दिए थे। इन डॉलर लोन का इस्तेमाल बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट की फंडिंग के लिए किया गया, जिसके बाद इन अकाउंट से फंड को विदेशों में कुछ फर्मों के पास भेजा गया। ये पूरा घोटाला दोनों अफसरों ने स्विफ्ट तकनीक का इस्तेमाल करके किया। इसके जरिए वे रोजाना की बैंकिंग ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने वाली कोर बैंकिंग सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहे। दरअसल स्विफ्ट से जुड़े मैसेज पीएनबी के पिनाकल सॉफ्टवेयर सिस्टम में तत्काल ट्रैक नहीं होते, क्योंकि ये बैंक के सीबीएस में एंट्री किए बिना जारी किए जाते हैं। इसी का फायदा कर्मचारियों ने उठाया और करोड़ों का वारा न्यारा कर दिया। स्विफ्ट ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस है और इसका इस्तेमाल प्रत्येक घंटे लाखों डॉलर को भेजने के लिए किया जाता है।